हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मोमबत्ती ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बना रहे हैं मिक्स सब्जी। मैंने ली आलू, आलू बीन्स की फली, गोभी, मशरूम, गाजर और मटर। दोस्तों जितनी सब्जी पड़ी थी ना घर के अंदर, वो सब मैं ये मिक्स करके बना रही हूँ। तो अब डाल देते, कढ़ाई हो गई गरम, इसमें डाल देते तेल। इसी के अंदर प्याज के अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्च। और दोस्तों मैंने ली थी एक प्याज और छोटी छोटी मिर्ची है पांच। तो मैंने अब ये फ्राई कर लेते इनको और इसी के अंदर डाल देते अदरक और लहसुन का पेस्ट, ताकि इसी में भुंज जाए तेल के अंदर। अब डाल देती टमाटर, और टमाटर ली थी मोटे थोड़े, तो दो टमाटर ली थी। इसमें डाल लेते नमक। दोस्तों हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधी चम्मच से कम ही है। जितना मसाला खाते हैं उतना डाल दो दोस्तों। और आधी चम्मच है लाल मिर्ची पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर। और इसमें डाल रहे हैं हींग। अब डाल देती पानी, ताकि मसाला सही से भुंज जाए हमारा। दोस्तों हमारा मसाला भुंज गया। अब इसके अंदर डाल रहे मटर, और इसके अंदर डालेंगे फली। डाल लेते गाजर भी। अब डाल रही इसके अंदर फूल गोभी और मशरूम। आलू बाद में डालूंगे दोस्तों, नहीं तो आलू गल जाएंगे इसके अंदर जल्दी से। इसमें डाल रहे थोड़ा सा पानी, ताकि ये भुंज जाए सही से सब्जी। इस पे लगा देता कढ़ाई पर ढक्कन, ताकि ये भुंज जाए सही से सब्जी में। अब डाल देते आलू इसी के अंदर। अब दोस्तों बनाएंगे मंदी आंच में। इसको कर देते गैस को कम। अब मंदी आंच में बनेगी इसी पानी के अंदर। डाल देते थोड़ी सी पनीर पड़ी थी, ये भी डाल देते हम। और इसमें डाल देते हरा धनिया। इसमें डाल देते हरा धनिया। तो हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। अब कर देते गैस बंद।
दोस्तों हमारी मिक्स वेज सब्जी बनके तैयार है दोस्तों। और दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई नई रेसिपी के साथ, जब के लिए दोस्तों बाय बाय।